और इनका फाइनेंस का सिस्टम कितना है। और वो रिपोर्ट जब बनी, वो लीक हुई रिपोर्ट, कांग्रेस की बनाई हुई कमेटी की जाए तो 1% एम्प्लॉयमेंट है माइनॉरिटीज की पूरे इंडिया में। और फिर ये जो ढंडूरे पीटते हैं, आज की डेट में राजेश्वर जी हम भी जिला जिला चलते हैं, सबकी सबसे ज्यादा लाभार्थी पीएमएवाई के। जी जी बिल्कुल, देखें भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो 24/7 इसका जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव रहता है। पर इसी बात को देखते हुए कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, तो हर हमारे जितने भी विंग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके इस समय सम्मेलन के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज भी भनाल के अंदर हमारा जो मनाटी मोर्चा है उनकी एक बैठक हुई, जिसमें हमारे स्टेट से भी लीडर्स आए थे। हमारे इखलागवानी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है मनाटी मोर्चा के, एसटी मोर्चा के हमारे रोशन चौधरी साहब जो पिछले 2-3 दिनों से ज़िला रामबन के अंदर हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज भनाल के अंदर भी ये बैठक हुई। देखिए सरकार शक्ति के साथ जो है वो काम कर रही है, और कहीं ना कहीं ये जो भी दिक्कतें पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं, तो हम सभी जानते हैं कि माननीय एलजी साहब ने इसके ऊपर कहा है कि कोई भी जो एंटी एक्टिविटी के अंदर व्यक्ति पाया जाएगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, और कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर जो है की जाएगी। आपके ऊपर जिले की जो है जिम्मेदारी है, कहाँ आप पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता यहाँ रहे हैं रामबन में, बनिहाल में, पूर्व में, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर आप पाते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिला रामबन के अंदर 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है। जो हमारी रामबन असेंबली है वो तो पहले भी कई बार हमने जीती है और निश्चय इस बार भी जीतेंगे, पर इस बार भनाल की जो असेंबली की सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। निरंतर इसके ऊपर हमारा जो काम है वो चल रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि हर दिन भनाल असेंबली के अंदर कोई ना कोई हमारे लीडर्स जो है वो आए हुए हैं, और हमारी भनाल की जो टीम है वो भी पूरी एक्टिव होकर कार्य कर रही है, और इस बार दोनों सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की समस्याओं का समाधान करने वाली पार्टी है। जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, ये आप निश्चिंत रहें कि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। देखो सर, जो हमें शासक मिलता है पार्टी का, तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं, तो हमने अपने फर्जों को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि आज तक अगर कमल का फूल बनिहाल की धरती पे नहीं खिला, तो इस बार कमल का फूल यहाँ बीजा हुआ बीज है, इंशाल्लाह अब काटने की जरूरत है। और एक हमने जो बगीचा तैयार किया है बनिहाल मंडल में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उस बाग ना अपने बाग की प्यारवाई कर रहे हैं, और उस बाग में तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले काल में भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम ये सीट डालेंगे। सर बात सुनो, इनको तो पेट दर्द होगा ही होगा। मैं कहता हूँ, मैं सलूट करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिसने 5 लाख का मेरे गरीब को काट दिया। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ जिसने हर पंचायत में 300, 400, 500 मकान दिए। मैं चाहता हूँ कि हर गरीब का उसने ख्याल रखा, उनके अकाउंटों में पैसा जा रहा है। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? जल स्कीम के नाम से रोडों के जाल, टनलों के जाल, अभी तो कुछ कमियां हैं हम मानते हैं। हमारा एरिया जो है गूल है, संगलदान है, सीनापति है, फुगुल है, परिस्तान है, महू है, मंगित है, कुछ कमियां हैं, तो उसी के लिए तो हम मिल के काम करना चाहते हैं। ये देश हम सबका है, हम चाहते हैं अपने गरीब को हक मिले। जो दिल्ली वाले को हक मिलता है वो मेरे महू वाले को भी मिले, गूल वाले को भी मिले, संगलदान वाले को भी मिले, तो यही तो हमारा लक्ष्य है। क्या आप तैयार हैं आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए टक्कर देने के लिए? हम तो चट्टान की तरह, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जो है वो चट्टान की तरह खड़े हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल का फूल गिफ्ट में दे देंगे।